आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN News। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. शहर हैदराबाद में एक और कत्ल होने से पहले फलकनुमा पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार। DCP साउथ जोन मिस्टर साई चेतनिया IPS ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा, फलकनुमा पुलिस ने कत्ल की साजिश में मुलविस चार रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से तीन दरांती, तीन चाकू, दो बाइक और दो मोबाइल फ़ोन जब्त किए। मीर अशफाक अली, मोहम्मद सुबहान खान और मोहम्मद जमील खान, इनके अलावा एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मजीद तीन मुलजमीन मफरूर बताए जा रहे हैं। मुलजमीन को फलकनुमा पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया। ACP फलकनुमा मिस्टर जहांगीर, SHO मिस्टर रघुवेंद्र दास इस मौके पर मौजूद थे। आइए सुनते हैं DCP साउथ जोन मिस्टर साई चेतनिया ने क्या कहा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू मोहम्मद रियाज। थैंक यू। शाबाश, वेट करो भाई। सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल चार लोग को पकड़ा जो मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। उनके साथ साथ तीन सिकल्स और तीन चाकू बरामद किया और दो टू व्हीलर्स, टू सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलिया शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलिया काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है, मीर अशफाक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद आमिर जो है झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा, तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था। और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर, तो उसके लिए उनके दोस्तों से मिलके फरहान, सुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये तीन सिकल्स और तीन चाकुएं बरामद किया और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगाया और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाला है। ये सारी ऑपरेशन जो है शेख जहांगीर एडिशनल DCP और इंचार्ज फलकनामा डिवीजन का ACP उनके निगरानी पे, और इंस्पेक्टर फलकनामा राघवेंद्र और SIs नागराजु, रवि कुमार और क्राइम कॉन्स्टेबल्स मोहम्मद रियाजुद्दीन और ES विनय कुमार और शिवा ने ये ऑपरेशन सक्सेस करवाया। इन सब सभी को CP साहब की जानिब से सभी को बधाईबाद देता हूँ और सबको रिवॉर्ड्स का भी प्रपोजल किया गया ताकि इतना हार्डवर्क करके ये क्राइम को रोका, उनको पुलिस डिपार्टमेंट जरूर अप्रिसिएशन देंगे। और सभी को इस मौके से, सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है, ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने पे आप भी पार्टनर हो जाएंगे। थैंक यू। जय सर। ये सब है नहीं, वो एक्चुअली आप
देख रहे हैं वो इंटरनल फैमिली इश्यू के लेके वो हो रहा था। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आया हम लोग वहाँ पे जैतून होटल के पास वेट करके, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि वो आ रहे हैं, अब रेड हैंडेड पकड़ा गया उनके साथ, वेपन के साथ पकड़ा गया। मदार होटल की बेमिसाल पेशकश आपके लिए पेश करते हैं एक से बढ़कर एक ढेर सारी वेराइटीज के डिलीशियस डिशेस। जी हाँ, चिकन 65, ड्राइड चिकन, चिकन तंदूरी और बेहतरीन लेग पीस। जो खाए एक बार वो तो खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि मदार होटल की डिशेस का जायका ही कुछ और है। अरे भाई, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। जरूर तशरीफ लाइए, खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए या फिर अपने चाहने वालों के लिए पार्सल घर ले जाइए। मदार होटल, मल्लापल्ली एक्स रोड, नियर नोबल टाकिस, हैदराबाद। प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला।